आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं पहले भारतीय नौसेना को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। भारतीय नौसेना प्रमुख ने भारतीय नौसेना के दो प्रोग्राम्स के बारे में एक बड़ी जानकारी मुहैया करवाई है, जहाँ पर उन्होंने कुछ कन्फ्यूजन्स को भी क्लियर किया है। आपको बता दें, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख ने एक मीडिया इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने ये कह दिया कि भारतीय नौसेना के दोनों बड़े मेजर एक्विजिशन, जिनमें राफेल फाइटर्स और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन शामिल हैं, ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी इस पे आपको पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को मिलेगी। एडमिरल आर हरि कुमार सर ने ये कंफर्म कर दिया है कि ऑलरेडी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 26 की संख्या में राफेल फाइटर्स की खरीद को अप्रूवल मिला है। और इसके अलावा जो उन्होंने अगर अनाउंसमेंट की बात करें डील की, तो उन्होंने कहा शायद ये डील की अनाउंसमेंट आपको इमीडिएटली देखने को ना मिले, लेकिन बहुत जल्दी इसमें आपको जो अनाउंसमेंट है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय प्राइस निगोशिएशन और दूसरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये इस समय आगे बढ़ रही हैं और बहुत जल्दी इसमें जो अनाउंसमेंट है ये करी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नौसेना जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उससे ऑलरेडी एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है इनके निर्माण की मंजूरी को प्राप्त कर चुकी है, जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में किया जाएगा और इससे भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। उन्होंने कहा राफेल फाइटर्स को भारतीय नौसेना की ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा और इसे भारतीय नौसेना के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विक्रांत से ऑपरेट किया जाएगा और ये भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भले ही हम राफेल फाइटर्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है वो स्वदेशी फाइटर जेट है, यानी उन्होंने जो ट्विन इंजन डिग्बेज फाइटर है उसके तरफ इशारा किया है, जो कि इस समय अंडर डेवलपमेंट है और आने वाले भविष्य में 100 से ज़्यादा की संख्या में ये जो फाइटर्स हैं ये भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना के Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट्स को लेकर के। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के Sukhoi-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है ये काफ़ी बूस्ट होने वाली है, क्योंकि भारतीय वायुसेना पुराने रशियन सप्लाइड SAP-518 बॉट जो हैं उनमें जो आउटडेटेड हार्डवेयर हैं इनको इंडिजिनस सॉल्यूशंस के साथ रिप्लेस करने का प्लान बना चुकी है, यानी कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमने स्वदेशी तौर पर विकसित करी है इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा और ये एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम है इनको भारत में बनाना और इसको इस्तेमाल करना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और आज के मॉडर्न रेडार थ्रेट से ये Sukhoi-30 MKI को पूरी तरीके से बचा के रखेगी। पिछले कई वर्षों से भारतीय वायुसेना Sukhoi-30 MKI के SAP-518 पॉड पर डिपेंडेंट रही है, क्योंकि इनको बेसिकली इस प्रकार से बनाया गया था कि ये ओल्डर रेडार्स को जैम करने के लिए तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आज के जो मॉडर्न रेडार हैं उनके लिए ये आउटडेटेड हो चुके हैं और इसी इनकम्पैटिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और इनकी लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ से ऊपर उठते हुए जो मॉडर्न ASR रेडार आज के समय बनाए गए हैं उनको काउंटर करने के लिए ये जो अपग्रेड की प्रक्रिया है ये शुरू करी गई है। इसमें भारतीय वायुसेना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी जो टेस्टिंग है उसको शुरू कर दिया है। ये जो टेस्टिंग की जा रही है ये SAP-518 पॉड के लिए बनाए गए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनमें सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं इनकी की जा रही है, जिन्हें एग्जिस्टिंग सिस्टम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना जा रहा है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नई एबिलिटीज़ हैं जो Sukhoi-30 MKI में ऐड होंगी। इसके आने के बाद जो जैम करने की कैपेबिलिटी है ASR रडार को ये बढ़ जाएगी। जी हाँ, ये एक क्रूशल कैपेबिलिटी है जो Sukhoi-30 MKI को इस अपग्रेड के बाद प्राप्त होगी, जहाँ पर ये एडवांस रडार थ्रेट से खुद को बचा सकेंगे, जिससे कि इनकी बैटल सर्वाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा जो मॉडुलर डिज़ाइन होगी ये फ्यूचर अपग्रेड्स को इंटीग्रेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्य करना काफ़ी आसान होगा और इस प्रकार से भारतीय वायुसेना बीते समय के साथ इसमें परिवर्तन भी कर सकती है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो हमारी फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी है उसको ये कम करेंगे। हालांकि इस समय ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये टेस्टिंग से गुजर रहा है, बहुत जल्दी इस ये जो सिस्टम है इसे Sukhoi-30 MKI में शामिल कर लिया जाएगा और ये मौजूदा एवियोनिक्स के साथ वर्क करने में पूर्णतया से कंपैटिबल होने वाला है। इसके अलावा DRDO की बात करें तो DRDO जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैं और सुखोई के लिए एडवांस सेल प्रोटेक्शन जैमर पॉड है उनको विकसित कर चुका है और ये जो ASPJ पॉड हैं ये और सोफेस्टिकेटेड जैमिंग कैपेबिलिटी को बूस्ट करते हैं।
जिससे इनकी बैटल सर्वाइवलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती है और आज के मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए इन्हें काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर के भारत को F414 इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है और इसके लिए जो कार्य है यह निरंतर प्रगति में है। हालांकि इसको लेकर के बीच में कुछ खबरें सामने आई जहां पर उतार चढ़ाव की बातों को कंफर्म किया गया, लेकिन अब एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो कि मेधानी को लेकर के आ रही है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा इस प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी, जहां पर मेधानी इन इंजन के निर्माण के लिए जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं इनकी सप्लाई को सुनिश्चित करेगा और ये एक नया आयाम खोलेंगे जहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इंजन का और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिनका इस्तेमाल क्रमशः तेजस मार्क टू, ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और एमका मार्क वन में किया जाना है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात करें या मेधानी की बात करें तो ये हाई परफॉर्मेंस जो हैस्ट एलॉय हैं और निकल बेस सुपर एलॉयज हैं इनको सप्लाई करेंगे, जिनका इस्तेमाल F414 इंजन के हॉट सेक्शन को बनाने में किया जाएगा जो कि अपने एक्सेप्शनल हीट रेजिस्टेंट और स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। और माना जा रहा है कि भारत की इंडस्ट्रीज़ का इसमें इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ का प्रमाण है कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के प्रोग्राम और भी सुगमता के साथ अंतिम रूप लेते दिखाई पड़ेंगे। इस समय जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फाइनल जो डील है F414 इंजन को लेकर के उसको फाइनलाइज करने के काफ़ी करीब हैं, जहां पर 2024 तक या 24 के मध्य तक ये डील फाइनलाइज हो सकती है और इसमें 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए जो इंजन है इनका निर्माण भारत में किया जाएगा। हालांकि इनिशियली जो इंजन होंगे ये 40% लोकलाइजेशन के साथ हमें देखने को मिलेंगे और जो पहला इंजन है ये 2026 के मध्य तक या 2027 की शुरुआत में डिलीवर किया जाएगा और उसके बाद जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये क्रमशः 80% तक भारत के द्वारा यूटिलाइज करी जाएगी। हालांकि अभी हम इंजन निर्माण की बात करें तो बड़ी संख्या में इनको बनाने का प्लान है और माना जा रहा है कि एक ऐसे पेस के साथ ये बनाया जाएगा जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने एयरक्राफ्ट्स को फुल कैपेबिलिटी के हिसाब से या अपनी फुल कैपेसिटी में बना सकती है, यानी वो चीज़ें जो हमने GE F404 के केस में देखी वो शायद हमें F414 में देखने को ना मिले। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है जो अभी तक हमें इस प्रोग्राम से जुड़ी देखने को मिली है। आपको बता दें कि भारत का इस समय प्लान ये है कि जल्द से जल्द ये जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है इसको भारत में शुरू किया जाए ताकि हमारे आने वाले भविष्य के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें किसी प्रकार का दुष्प्रभाव या इंजन के अभाव में ये प्रोग्राम डिले हो ऐसा भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता। और पहली बार जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भी ऐसा किया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे जो TOT है ये किसी देश को दी जा रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि भारत की तरफ से उन्हें कोई छोटा ऑर्डर नहीं मिल रहा है बल्कि आने वाले निकट भविष्य में और भी जो बड़े ऑर्डर्स हैं ये भारत के द्वारा उन्हें प्रदान किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।